हे गाइस, मैं गहना वशिष्ठ और आप सबका स्वागत है द गहना शो में। और आज की मेरी गेस्ट हैं, सीरियल की बहुत ज्यादा जानी पहचानी है ये, और इनका नाम है ज्योति तिवारी। थैंक यू सो मच गहना, थैंक यू, मोस्ट वेलकम ज्योति, आपका दिल से स्वागत है हमारे शो में। सो ज्योति, मुझे एक बात बताएं, आप लोकलाइट है राइट? सो जब आपने पहली बार डिसाइड किया कि आपको एक्टिंग करनी है, तो आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था और उन्हें कन्विंस करना कितना टफ था, अगर वो नहीं हुए थे तो? और हो गए थे तो फिर कोई बात ही नहीं है। और आज आप अपनी जर्नी को कहाँ रेट करती हैं आउट ऑफ 10? विल स्टार्ट हाउ आई स्टार्टेड। हाँ, सी द फैमिली, आई एम बेसिकली फ्रॉम यूपी, तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों को उस वक्त मान्यता नहीं दी जाती थी, अच्छा नहीं मानते थे। ठीक है, अब तो चलो ठीक है, एडवांस हो गया, सब कुछ सबको एक्सेप्टेबल है। सो मेरे घर में कोई रेडी नहीं था, बिकॉज हम लोग फैमिली वाले हैं, हम लोग लाइक टाइम से घर पे आओ, टाइम से खाना खाओ, सो जाओ, ड्यूटी पे जाओ, ऐसा रूटीन वाले सब थे। तो आई वॉज दी वन हु डिसाइडेड कि चलो इंडस्ट्री में काम करना है, बिकॉज मुझे मेरी फ्रेंड्स लोगों ने बोला यू हैव गुड फेस। आई वॉज वेरी गुड इन टू एक्टिंग, घर में सबकी मिमिक्री करती थी, डांस अच्छा कर लेती थी, तो मुझे लगा कि चलो करना चाहिए। तो फैमिली में किसी ने सपोर्ट नहीं किया, स्पेशली माई सिस्टर्स एंड माई मॉम, बट माई फादर वॉज बिसाइड मी। उन्होंने से बोला कि ठीक है, क्योंकि उनको भी बहुत पसंद था इंडस्ट्री से कि हमारे घर में कोई हो इंडस्ट्री में। तो मेरे पापा ने बहुत सपोर्ट किया एंड ही वॉज द ओनली वन हु गेव मी मनी फॉर द पोर्टफोलियो। तो बोले कि ठीक है, ले जाओ, तुम बनाओ, अगर तुम खुद से खुशी होती है करो। एंड उनको शायद घर में सबको पता था कि इंडस्ट्री में कैसे काम होते क्या, बट मुझे एक्चुअली में कुछ नहीं पता था। तो वो वैसे था, आई स्टार्टेड आई डिड माई स्ट्रगल, बट अब मैं अपने आप को रेट दे सकती हूँ 10 out of 7। अच्छा एक बात, तो आपने कौन कौन से टीवी शोज किए आज तक? मेरा पहला शो था 2016 में देवांशी, फुल हाउस मीडिया का। और जैसे मैंने पहले बताया है कि मेरा एक बिहेवियर और नेचर बहुत उनको अच्छा लगा, तो उन्होंने मुझे दूसरा शो दे दिया था जिसका नाम था हमारी ये मेरी हानिकारक बीवी NTV के लिए। तो हम बनारस गए थे शूट पे, काफ़ी दिन हम वहाँ पे थे, वहाँ भी चला मेरा 2 साल ट्रैक वो। उसके बाद मैंने किया विद्या महेश पांडे का, जो लॉकडाउन में बंद हुआ 2020 में, मार्च में 2020, जुलाई अगस्त में मुझे मिल गया था हमारी वाली गुड न्यूज़, जूही परमार के अपोजिट में थी मैं, उसमें नेगेटिव था मेरा। फिर मुझे बालिका वधू 2, उसके बाद बड़े अच्छे लगते हैं नागिन, भाग्य लक्ष्मी, एकता मैम के 4th, 3 या 4 शो कर चुकी हूँ मैं। इस बीच में मैंने कम से कम 60-70 एपिसोड किया है, कमर्शियल एड्स किए हैं 15-20, और बस यही सब इवेंट्स वगैरह करती रहती हूँ। लवली, तो एक बात बताओ, जैसे आपने एकता मैम के इतने सारे शोज किए, कभी उनसे पर्सनली मुलाकात हुई? पर्सनली मिलना था, बट समहाउ दिस कुड नॉट वर्क, बिकॉज मैम भी चली गई थी और मेरा भी उनसे मिलना नहीं हो पाया, बस माई बैड। तो मुझे एक बात बताओ, जैसे आपने इतने सारे टीवी शोज किया, आपने वनडे टुडे किया, इतना काम करके बैठी हैं, तो ये सब कुछ आपको ऑडिशन से मिला या कॉन्टैक्ट के थ्रू मिला या कैसे मिला? नहीं, शुरुआत में तो मुझे एक्टिंग के मतलब कैसे होता है, प्रोसेस क्या नहीं पता था। तो मुझे, जैसे मैंने बताया, मैंने वनडे टुडे करना शुरू किया था, जो मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। मैंने सोचा मैं इस चीज़ के लिए तो नहीं बनी हूँ, और वो रेफरेंस दिया था मेरी फ्रेंड थी जो अंधेरी में ही रहती थी, उसने मुझे बताया कि कास्टिंग वाले होते हैं, आपको ऑडिशन देना पड़ता है। एज आई टोल्ड यू, मुझे कुछ भी नहीं पता था ABCDs के बारे में, तो उसने मुझे बताया, उसने मुझे कुछ कास्टिंग वालों के नंबर दिए थे, तो उन्होंने मुझे बुलाया था और इंट्रोडक्शन ही लिया था, जिसमें सिर्फ नेम, एज, हाइट, प्रोफाइल पूछते थे। तो उसके थ्रू मुझे वो वनडे टुडे वाला काम मिलने लगा, और वहाँ जाके मैंने कॉन्टेक्ट्स बनाए, लोगों से फ्रेंड्स बनाए, डायरेक्टर्स से बात करना शुरू किया, जो एक्टर्स थे उन्होंने रेफरेंस देना शुरू किया, उन्होंने मुझे ग्रुप में ऐड करना शुरू किया कि अगर आपकी कास्टिंग इस एज में कुछ आएगा तो आपको मिलेगा। फिर मैं वही ऑडिशन देती रही, आती रही थाना से, फिर मैं 4-4 कपड़े लेके आती थी बैग में, इंडियन साड़ी, ड्रेस, शॉर्ट्स सब, और मेकअप का वो बैग लटका के, वो रॉड पकड़ के रेलवे का, ट्रेन का। बट कहते हैं ना कि हार्डवर्क आपको पे करता है, सो आई फील कि हाँ चलो, और आगे और मेहनत करूँगी और आगे बढ़ना है। करेक्ट। तो अच्छा, जैसे एक बात बताओ, इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं ना जो एकदम अनोइंग होते हैं, बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होते हैं, तो आप उन्हें कैसे हैंडल करती हैं? और जब आपको उन पर बहुत गुस्सा आती है, तो आप उन्हें कौन सी गाली देती हैं, आपकी फेवरेट है कौन सी? गाली दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, तेरी माँ की आग। नहीं नहीं, वैसे बहुत अनोइंग लोग हैं, मैं मिली भी हूँ बहुत सारे, काफ़ी बड़े बड़े शो में, बहुत बड़े बड़े एक्टर्स की बात, जो जो अभी अपकमिंग वाले हैं वो नहीं, जो बहुत काम कर चुके हैं, मुझे बहुत बार उनको लगता है कि वो इनसिक्योर हो जाते हैं।
मे बी आई फील, आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगा है कि बहुत इनसिक्योर हो जाते हैं. बहुत बार ये चीज हुई है सेट पे मेरे साथ कि वो मेरे से अच्छी क्यों लग रही है, उसका हेयर स्टाइल मेरे जैसा क्यों बनाया, मैं तो लीड हूँ, आपने उसको वो क्यों कराया, वो चेंज करो वरना मैं सीन नहीं दूंगी. ऐसे भी हुआ, हो चुका है सेट पे. तो इस चीज को मैं हैंडल इस तरह से करती हूँ, मैं सोचती हूँ तो मेरा काम नहीं है, लेट देम डिसाइड, मैं अपना साइड हो जाती हूँ. जब मेरे पास बात आती है तब मैं बोलती हूँ कि भाई उनका कैरेक्टर अलग है, मेरा कैरेक्टर अलग है, उनका लुक अलग है, वो लीड है, उसके बावजूद वो इतनी इनसिक्योर हो रहे हैं, तो उनको इस तरह से समझा. मतलब मैं तो डायरेक्टली बात नहीं कर सकती क्योंकि ना वो लोग मुझसे बात करेंगे, बट ये सारा कॉल प्रोडक्शन का होता है. फिर एक चीज़ बुरी लगती है कि प्रोडक्शन उनको नहीं बोलता है कुछ, क्योंकि वो लोग एक बड़े स्टार होते हैं, तो समहाउ वो आपको इस लेवल पे कन्विंस करते हैं ना कि आपको वो चीज़ करनी पड़ जाती है, फिर वो बुरा लगता है. हाँ, कई बार ये चीज होता है, लिपस्टिक निकाल दो, मेन लीड से तो वो उनको नहीं बोलते हैं, हालांकि उनको भी पता होता है, वो प्रोडक्शन भी झेल रहा होता है वो चीज, पूरी टीम झेल रहा होता है, बट वो लोग डायरेक्टली किसी को नहीं बोलते मुंह पे. तो वो ऐसे लोगों को दबाने की कोशिश करते हैं जो कुछ नहीं है उनके सामने, तो वो ये चीज तो है, ये चीज करते हैं. और मुझे बताओ, जैसे जो कोऑर्डिनेटर्स, कास्टिंग डायरेक्टर्स जो भी हो गए, उन्हें अपने को 20-25% देना होता है, सो आपके हिसाब से सच में वो डिजर्व करते हैं क्या 20-25%? देखो, मैं ये बोलती हूँ यार, डिपेंड करता है कि आप कितने कंफर्टेबल हो, ठीक है, फाइनेंशियली पहली बात, आपको घर बैठे अगर काम आ रहा है, हाँ ठीक है, और अच्छा काम आ रहा है, हाँ तो दे सकते हैं. मुझे ऐसा लगता है, ये मुझे ऐसा लगता है कि आपको घर बैठे काम आ रहा है, आप महीने के 15-20 दिन काम कर रहे हो, बट हाँ उतना नहीं डिजर्व करते हैं वो जितना वो लेते हैं, कभी 25% लेते हैं, कभी आजकल तो 30% भी चल रहा है, मुझे कुछ आइडिया नहीं, बट उतना नहीं होना चाहिए. और बट ये चीज है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको घर बैठे काम आ रहा है तो घर से लिंक बना के भेज देना है, तो ठीक है, दे लेना. हाँ, करेक्ट. अच्छा, एक बात और बताइए मुझे, जैसे कि मैंने सुना है टीवी शोज में 90 डेज 120 डेज में पेमेंट आती है, कई बार ऐसा हो कि आपके पैसे फंस गए हों, आपको बहुत मतलब चक्कर मारने पड़े हों, फिर भी आपके पैसे ना आए हों, ऐसा कभी हुआ है? हाँ, हो चुका है. जैसे मैंने बताया, मैं एपिसोडिक शोज में काफी होता है, डेली सोप में तो सो फार नहीं हुआ है, हाँ, बट हाँ एपिसोडिक करती हूँ तो मुझे थोड़ा रिस्क लगता है, करना चाहिए या नहीं, इस तरह से. और एक बात बताइए, जैसे टीवी शोज में तो बहुत सारे लोग होते हैं सेट पर, और ऑल ऑफ सडन स्क्रिप्ट आ जाती है, क्योंकि कई बार ऐसे पता नहीं होता है ना कि आज ये सीन लगने वाला है, और कई बार ऐसा लगता है कि एक पेज की होगी, कई बार एक साथ 4 पेजेस आ गए, 5 पेजेस आ गए, तो उस समय आपका क्या रिएक्शन होता है, और आपको कैसा लगता है यार अब 5 पेजेस, क्योंकि सब कुछ ऑल ऑफ सडन होता है, राइट, या कैसा होता है बताइए? नहीं, बहुत बार तो ऐसा होता है ना कि कॉल टाइम रात को 1 बजे आता है कि आपका कल शूट और आप सोए हुए होते हो, तो आपको सुबह फोन करके उठाया जाता है कि आपका सीन लगा है, तो क्रिएटिव्स हमको ये बोलते हैं कि हमारे पास सीन नहीं है, हमको ये बोला जाता है कि हमारे पास नेक्स्ट डे का सीन नहीं है. अच्छा, डेली सोप में ये प्रॉब्लम हो जाती है ना कहना कि आप अपनी चीजें लाइनअप नहीं कर सकते, आप अभी 9 बजे पैकअप हो रहा है तो आपको कल का पता नहीं कि कल आपका शूट है या नहीं है. मान लो अगर आपको कोई बड़ा शो आ रहा है कल, या आपको कोई वन डे का एक इवेंट आ रहा है जहां आपको अच्छे पैसे मिल रहे हैं, बट आप उनको नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पता नहीं होता, और ये रात को लिखते हैं कि नो शूट फॉर यू टुमारो, फिर वो भी नुकसान हो जाता. तो ये एक चीज होती है जो आप फंस जाते हो डेली सोप में. तो मुझे लगता है कि OTT के कुछ अगर आपके पास प्रोजेक्ट्स हैं या फिल्म है तब अच्छा है. करेक्ट. अच्छा, मुझे एक और बात बताओ, जैसे कई बार शोज में क्या होता है, टीवी शोज में, कि उन्होंने आपके 25 दिन ब्लॉक किए मंथ के, लेकिन काम सिर्फ आपको 10 दिन होता है, हाँ, है ना, और वो बाकी 15 दिन आप कुछ नहीं कर सकते, तो ऐसा होता है? हाँ हाँ, जेनुइनली होता है, बट इट्स वेरी बैड, आई मस्ट से दिस, क्योंकि क्या होता है जब आप सेट पे जाते हो ना, वो आर्टिस्ट को बांध के रखने के लिए पहले तो अग्रीमेंट साइन करा लेते हैं. सबसे पहला काम आजकल यही होता है कि सबसे पहले अग्रीमेंट साइन कराते हैं ताकि आप कोई और शो ना लो. उस पे मेंशन होता है, जैसे गहना ने बताया 25 दिन, तो 25 दिन लिखा ही होता है, बट शूट हार्डली 10 दिन होता है डेली सोप में, अगर आप एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर कर रहे हो तो. और उसके बावजूद फिर जैसे मैंने बताया कि आपके पास दूसरे काम आ रहे हो तो आप नहीं ले सकते हो. और हाँ, जब आपका काम होगा तो आपको छुट्टी भी नहीं देंगे, वो ये बोलेंगे हमारे पास हमारा सब लाइनअप है, हमारे पास दूसरे एक्टर्स नहीं है उस डेट पे, या हमारा सेट का फाइनल है, हम नहीं कर सकते. तो समटाइम आई फील कि वो लोग नहीं एडजस्ट करते एक आर्टिस्ट के साथ जो उनको करना चाहिए. करेक्ट. और आजकल 12 घंटे की शिफ्ट होती, क्योंकि हम जब शुरू में करते थे तो हमारी 15 घंटे की शिफ्ट होती थी, कई बार तो मैंने 18-18 घंटे भी काम किया टीवी शोज में. अभी क्या मतलब 12 घंटे की शिफ्ट होती है? हाँ, शिफ्ट तो देखो गहना 12 घंटे की होती है, बट पिछले 2 साल से मेरे साथ तो ऐसा हो रहा है कि सीन लगता है उस वक्त बुलाते हैं, जैसे कि 5 शाम को 7 बजे के बाद भी ब्रेक के बाद लगता है तो 5 बजे बुला लेते हैं,
और 6 बजे तक आप रेडी हो जाते हो, 1 घंटा आपके पास होता है, फिर 7 बजे सील लगता है। कुछ प्रोडक्शन हाउस है जो आपका भी टाइम से बुलाते हैं और टाइम से छोड़ देते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि सुबह एक सीन करके भी मैं फ्री हो गई हूँ 11 बजे तक। तो ठीक, फिर उसमें मजा आता है कि चलो पर्डे पूरे मिल रहे हैं। लेकिन ऐसा होता है जो लीड कर रही होती है जो लड़कियां, उनको तो उनकी लाइफ ही खत्म हो जाती है। वो बीमार पड़ी है सेट पर, एम्बुलेंस बुला करके उन्हें सलाइन चढ़ाई जा रही है, उन्हें फीवर है, फिर भी उन्हें छुट्टी नहीं मिल रही है। और कई बार तो मैं सेट का नाम नहीं लूंगी, मेरे शो में मेन लीड को ब्रेस्ट कैंसर हो गया था और वो इतनी परेशान थी, वो बार बार एप्लीकेशन दे रही है, उसे छुट्टी ही नहीं मिल रही। एंड एंड ये हुआ कि फाइनली उसे ब्रेस्ट निकलवानी पड़ी। तो मेन लीड को तो बहुत ज्यादा मतलब उनको तो बिल्कुल टाइम नहीं देते। एक शो करी थी मैं, इट वॉज फॉर दी जी गंगा के लिए था। तो वहां पे वो जो लड़की थी वो स्टार्टिंग ही किया था उसने इंडस्ट्री में, तो उसको जब ये कोविड का पीरियड चल रहा था, उसको बहुत ज्यादा हाई फीवर था। मे बी आई थिंक उसको कोविड के ही सिम्टम्स थे, बट उन लोग ने उसको नहीं छोड़ा क्योंकि कहते हैं हमारा कट टू कट चल रहा है। ऐसे बोल के प्रेशराइज किया जाता है। और उसके बाद रूम में उसको बिठाया, उसका भाई भी आया, शी वॉज नॉट वेल, बट उसको पूरा 12 घंटे की शिफ्ट कराई कि उनके से। तो बहुत बार ये चीज़ तो बुरी लगती है कि प्रोडक्शन मैनेज नहीं करता, बहुत ज़्यादा इनह्यूमन हो जाती है चीज़ है ये है। और आपके जो फैंस हैं आप उन्हें क्या बोलना चाहेंगे? आपका इंस्टाग्राम हैंडल बताइए लोगों को ताकि आपको फॉलो कर सकें, जो लोग आपके फैन हैं जो बहुत सारे सपने देखते हैं फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए, तो आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? पहली बात मैं अपना इंस्टाग्राम आईडी बताऊंगी, ज्योति_तिवारी1234@yahoo.com पे आ जाएगा वो, ठीक है आईडी बताने लगी। ऑल्सो आई वुड से जैसे कि हर किसी की ना घर की कंडीशंस अलग अलग होती है, ठीक है, हर किसी का काम करने का तरीका अलग होता है। जरूरी नहीं है कि मैंने जिस तरह से काम किया हो उस तरह से शिवानी भी करे, शिवानी जैसे कि वैसे गहना करे। सबका अलग अलग नेचर है, सब अपने अपने तरीके से लोगों को हैंडल करते हैं। बट मैं एक ये बोलूँगी, आप हमारे घर में बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि मेहनत हमेशा रंग लाती है, ठीक है, तो आप किसी की बातों पे विश्वास मत करो, आप अपने आप पे भरोसा रखो, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बना के रखो। मैटर नहीं करता आपकी हाइट क्या है, मैं मुझे बहुत बार लोग बोलते हैं कि आप थोड़े से बल्कि हो, बट मेरे बालाजी की कृपा से मैं कभी घर में नहीं बैठी पिछले 6 साल से, तो ये मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस है, मैंने अपने आप को ग्रूम किया। मैं लोगों को ये कहूँगी आप अपने आप को पॉलिश कीजिए, बात करने से कैसे बात करना है, किसके साथ कैसे बिहेव करना है, बच्चों के साथ बच्चे बनिए, बूढ़ों के साथ बूढ़ों की तरह रहिए, और सबको रिस्पेक्ट दीजिए और अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, और सबसे बड़ी बात मेहनत करते रहिए, ज़रूर आपको मंजिल मिलेगी। यस, तो ये थी हमारे साथ ज्योति तिवारी। आई होप आपको इनके साथ बातें करके, उनकी बातें सुन के बहुत मजा आया होगा। अगर आपके अंदर इनके लिए कोई सवाल है तो प्लीज हमें लिख भेजिए, हम आपको हर सवाल का जवाब देंगे इन्हीं के जुबानी। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच रीना, थैंक यू, नमस्ते, बाय।